इंडिया गठबंधन में सहयोजक और सीट शेयरिंग को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ, इसको लेकर लिहाजा आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जिसमें बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के विधायक दल के नेता कांग्रेस के शकील अहमद खान समेत तमाम जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के वो पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली में इसको लेकर दिल्ली के कांग्रेस के जो मुख्यालय है अकबर रोड दिल्ली में, वहां पर ये बैठक चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हो रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में हो रही है। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, साथ ही विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि यह मीटिंग कांग्रेस की होने वाली भारत न्याय यात्रा अगली रूपरेखा निश्चित करने के लिए और लोकसभा चुनाव में भाजपा को कैसे दो दो हाथ करने के लिए की जा रही है, इस पर मंथन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में 4 से 5 दिनों में बिहार में भी यात्रा कर सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के देश भर के 112 नेता भाग ले रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे। वहीं कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी के नेताओं मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत, भूपेन्द्र बघेल, सलाम खुर्शीद और मोहन प्रकाश के साथ साथ बिहार के खास नेताओं की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सीट को लेकर अपनी रिपोर्ट भी कमेटी में कांग्रेस आला कमान को सौंप देगी। इस पर अंतिम फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इसकी लेकर बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, दिल्ली के कांग्रेस के मुख्यालय में चल रहा है और सीट शेयरिंग से लेकर जो है सहयोजक बनाने तक का घमासान मचा हुआ है। इसमें जो है अब ये तय किया जा रहा है कि आखिर सहयोजक किसे बनाया जाए। इसको लेकर पहले कांग्रेस अपने जो बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद ये फैसला लेगा कि क्या जदयू से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्हें ये सहयोजक बनाया जाएगा। इसको लेकर लगातार इस पर जो सवाल उठ रहे थे विपक्ष के तरफ से, उसका जवाब जो है अब जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ये तय हो जाएगा कि किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कहां कहां किन किन कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तमाम चीजों को लेकर आज बैठक चल रही है। वहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है 14 जनवरी के बाद, तो ऐसे में पूरे देश में उनकी न्याय यात्रा भी होगी। इसको लेकर भाजपा को जवाब देने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए, चाहे वो राम के बहाने जो बिहार में पूरे देश में सियासत हो रही है, उसका जवाब भी राहुल गांधी कैसे देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे देंगे, सोनिया गांधी कैसे देंगे, इसको लेकर तमाम रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या फैसला आता है, क्या नीतीश कुमार को सहयोजक बनाया जाता है या नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर धीरे धीरे जो है वो साफ हो जाएंगे। बैठक के बाद फैसला भी आ जाएगा, वो भी हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।